अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी हमारा चैप्टर नंबर 13, सेकंड ईयर फिजिक्स। चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी से एक नाम निकालते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक का आपको मतलब बोला था चार्ज, सिटी आपको पता है कि बताते खुद, जहाँ पर आमदोरफ्त हालात चलते हैं, मतलब कि जैसे कि अगर आप सिटी में हो तो आपको पता होगा सिटी में लोगों का आना जाना रहता है किसी ना किसी काम की निस्बत, मींस के मोशन के बारे में इधर एक टर्म इस्तेमाल हो रही है। तो सेम अगर हम इसको तशबीह देना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो मैं इसे कहूँगा कि भाई किसकी मोशन, मैं कहूँगा कि भाई मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। यानी कि मैं कहूँगा कि भाई चार्ज जब मोशन में हो, हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक है जी। करंट, करंट क्या है, ये करंट इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि भाई ये है क्या। आपको पता होगा कि हमारे पास चीज़ें जो है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, एटम से। अब एटम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बॉन्डिंग के साथ, कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डिफरेंट मेटालिक बॉन्डिंग, डिफरेंट बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर इसको कुछ कैटेगराइज कर दिया गया है। हम इधर दो ही पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में, ठीक है। कंडक्टर्स हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कि जो एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि भाई चार्ज तू इधर से जा सकता है, मीन्स के एक पाथ है। कंडक्टर ऐसे मटीरियल्स हैं जिनके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जो कि चार्ज को कहते हैं कि भाई तू जा, तू गुजर सकता है। अब चार्ज हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें कहेंगे कि भाई ये कहता है कि भाई मेरे अंदर से चार्ज इजीली जा सकते हैं, खुला रास्ता है, खुल कोई पाबंदी नहीं। इंसुलेटर ऐसा मटीरियल है जिसके अंदर लॉक लगे हुए हैं, वो एक साइड के चार्ज को अपने अंदर से गुजर कर दूसरी साइड पर नहीं जाने देता, यानी कि चार्जेस को ब्लॉक कर देता है, हम उसको कहते हैं इंसुलेटर। अब जब ये चार्ज हरकत में हो, मतलब कि चार्जेस एट रेस्ट हमने पढ़ा था, तो उसका नाम था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन अब हमने पढ़ना है चार्जेस इन मोशन। याद रखो, कोई भी चार्ज जब मोशन में आ जाता है या चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो उनका नाम चार्जेस नहीं रहता, बल्कि वो एक नई टर्म बनाना शुरू कर देते हैं जिसको हम नाम देते हैं करंट। मींस कि अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो करंट को लिखूंगा फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। अब वो चार्जेस भाई दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अकेला पॉजिटिव भी हो सकता है, अकेला नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो टर्म इम्पोर्टेंट है वो एक ही है कि भाई चार्जेस फ्लो में हों, चल रहे हों, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब मैं चार्जेस कहूँगा वो चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, कंडक्टर को, इंसुलेटर से वो गुजर नहीं सकते। खैर, इन्हें हम चैप्टर 17 के अंदर इन डिटेल पढ़ेंगे, कंडक्टर इंसुलेटर को। आप ज़रा इधर फोकस करें कि फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब भाई बन जाता है करंट, ठीक है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम उसे भी देखते हैं। अब करंट को सबसे पहले तो मैं इसे डिफाइन करता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। क्लियर, कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो चार्जेस को तो स्टडी करती है, लेकिन कब, जब चार्जेस इन मोशन हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सबसे पहले हम करंट को देखते हैं कि करंट क्या चीज है। करंट जब भी किसी जगह से कोई चार्ज फ्लो करता है, लेट क्यू बी दी, सॉरी डेल्टा क्यू बी दी चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है।
ये क्या है कि क्यू भी वो चार्ज है जो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजर रहा है किसी भी टाइम डेल्टा टी के अंदर, ठीक है। तो जब ये चार्ज इससे गुजर रहा होगा तो ये चार्ज नहीं कहलाएगा बल्कि ये फ्लो ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। मींस कि ये जो चार्ज है डेल्टा क्यू, असल में चार्जेस है ना, क्यू मीन चार्जेस की अमाउंट, क्योंकि हमने पढ़ा था तो जो क्यू होता है वो बराबर होता है एन ऑफ ई, ठीक है। और ई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ई बराबर होता है 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो ई मीन कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑन प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की अमाउंट सेम होती है, बस प्रोटॉन पर नेगेटिव भाई होते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होते हैं। ऑल दो क्यू किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, एन मीन नंबर, ई मीन चार्जेस। तो अगर डेल्टा क्यू है मीन्स के कुछ अमाउंट है चार्जेस की और किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, पास मीन फ्लो कर रहा है किसी भी सर्टन टाइम में, तो असल में वहां पर क्या बन रहा होगा, करंट बन रहा होगा जो के बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या भाई कितना चार्ज गुजरा कितनी देर में, ये होता है करंट। अब ये करंट को हम आम अल्फाज में ये कहेंगे कि भाई अगर 10 चार्ज गुजरे एक सेकंड में तो हम कहेंगे भी ज्यादा करंट बन रहा है, क्योंकि एक चार्ज ऐसे समझ लो कि एक करंट बना रहा है, तो अगर ज्यादा चार्ज गुजरेंगे तो ज्यादा करंट। या इसका कुछ ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि भाई टाइम को कम कर देते हैं और चार्जेस की तादाद को फिक्स रखते हैं तो तब भी करंट ज़्यादा बनेगा, मींस के इनकी मोशन इफेक्ट करती है कि भाई कितनी स्पीड से गुजर रहा है, ठीक है। अगर मैं आम अल्फाज में आपको ये समझाऊं तो इसको मैं कुछ ये समझा दूंगा कि फ़र्ज़ कर लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 बंदे हैं और इन्होंने इधर से गुजर कर इधर आना है, ठीक है, इस ए साइड से गुजरकर साइड बी में आना है। तो जब ये यहाँ से पास करते हैं तो ये लेते हैं एक सेकंड का टाइम, मतलब कि ये 10 बंदे एक सेकंड में गुजर जाते हैं, तो यानी कि 1 पर्सन मीन यहाँ पे पर्सन का मतलब है क्यू, कितना टाइम ले रहा है 0.1 सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपके पास है फर्स्ट सिचुएशन सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया को समझाने के लिए। अब क्या करते हैं, अब हम इसी सिनेरियो को कुछ यूं बना देते हैं कि ये आपके पास 10 बंदे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अब क्या किया मैंने, अब एरिया जो दरवाज़ा है वो इतना बड़ा खुला रख दिया, तो अब ये साइड ए से साइड बी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब ये यहाँ पर एक बंदा कितना, यानी कि एक चार्ज कितना टाइम लेता था, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब यही चार्ज जब फ्लो करेंगे तो ये एक सेकंड में सारे फ्लो कराएंगे एक ही डायरेक्शन में एक ही वक्त में, यानी कि हर एक को एक सेकंड का, लेकिन चूंकि इकट्ठे गुजरे हैं तो चार्ज की तादाद 10 रही और टाइम एक सेकंड रहा, इधर चार्ज की तादाद 10 रही टाइम भी एक सेकंड रहा। इसका मतलब ये बना कि एरिया चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो वो इफेक्ट नहीं कर रहा, असल में करंट को इफेक्ट करने वाला कि कितना चार्ज है और कितना उस पर टाइम लग रहा है, दिस इज कॉल्ड करंट, ठीक है जी। अब इसी से जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको कहूं यार बोर्ड में हाथ लगाओ तो आप हाथ लगाओगे नहीं सर वहां पे तो करंट लगे, ऐसे करूंगा मैं, यानी यार फिजिकली फील होगा, यार सर फील तो होगा ना, दिल तक जाएगा, फील तो होगा। अगर ये फील होगा तो मीन्स ये फिजिकल क्वांटिटी है और हर फिजिकल क्वांटिटी के भाई कुछ ना कुछ तो यूनिट होंगे, इसका मतलब है इसके भी यूनिट होंगे। क्या होंगे यूनिट, चेक कर लेते हैं भाई, चार्ज के यूनिट क्या हैं, कोलम, और टाइम के सेकंड, तो क्या बने, कोलम पर सेकंड। इसको फुल फॉर्म में एम्पेयर भी बोलते हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं एम्पेयर। ये किसके बराबर होता है, 1 कूलम पर सेकंड। इसका मतलब है कि अगर मैं एम्पेयर को डिफाइन करूं तो मैं लिखूंगा 1 एम्पेयर करंट की जगह पर 1 कूलम ओवर 1 सेकंड, मींस के डिफाइन एज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू सर्टेन एरिया इन 1 सेकेंड then the current is 1 एम्पेयर, ठीक है जी। ये जो एम्पेयर है ये एक साइंटिस्ट था जिसे न्यूटन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
इस बंदे के नाम पर इसके यूनिट रखेंगे, तो इसलिए ए चूंकि साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल ए, ठीक है। तो अगर एक कूलम चार्ज गुजरा किसी जगह से एक सेकंड में, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पर कितना करंट है, 1 एम्पेयर। अब करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, मीन्स कि करंट ये नहीं बोलता कि भाई पॉजिटिव चार्जेस लाओ नेगेटिव लाओ, वो कहता है भाई चार्ज लाओ मैं बन जाऊंगा, मीन्स कि पॉजिटिव चार्जेस आ जाए नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो दोनों ही आ जाए तब भी करंट बन रहा होगा, मीन्स कि करंट बनना ही बनना है, अगर चार्ज ने फ्लो कर दिया तो भाई करंट बन जाएगा, ठीक है। ये था आपका छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इसके आगे एक छोटा सा और टॉपिक साथ अटैच है, कन्वेंशनल करंट, जरा उसको देख लें। है भाई तो दूसरा है हमारे पास कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट क्या है कि पहले हमारे जो बुजुर्ग साइंटिस्ट थे ना, जो पुराने साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनको लगता था कि भाई जो चार्ज जो सर्किट में करंट है, करंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। उनको लगता था कि भाई जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। इसको मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ कि अक्सर लोग इलेक्ट्रिशियंस जो होते हैं वो सर्किट्स के अंदर ना गर्म तार का मतलब है रेड वायर को समझते हैं कि भाई ये मेन वायर है, पीली तार जो मतलब वो बैटरीज के साथ भी जो प्लस का सिंबल होता है उसका रेड तार होती है, वो कहते हैं यार ये पॉजिटिव तार है, करंट इधर से चलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, ये समझते थे। क्योंकि उस दौर में वी डोंट नो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स का स्ट्रक्चर्स नहीं पता था कि भाई मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, मींस कि इसके अंदर मेन टर्म जो है वो हमें एटम के बारे में नहीं पता था, ठीक है। जब हम बड़े हुए, मींस कि साइंस ने तरक्की की और मटेरियल को एक्सप्लोर किया गया और उसके अंदर देखा गया कि भाई इसके अंदर तो एटम है, और एटम को देखें तो एटम कुछ यूं करके है, एटम्स कुछ यूं करके है कि इसके अंदर एक हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, और इसके अंदर पता नहीं अब ये कौन से नंबर वाला एटम बना है, मेरे ख्याल से 14 बना है। तो अब उन्हें नहीं पता था कि ये एटम का स्ट्रक्चर है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि भाई ये जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर कैद हैं, मींस के वो बाउंड फॉर्म में वो निकल नहीं पाते। हाँ, इनके अंदर कुछ लफंगे लोग हैं जिनका नाम है हमारी जुबान में इलेक्ट्रॉन्स, ये मटेरियल के अंदर दोनों स्टेट में होते हैं, फ्री एंड बाउंडेड, यानी कि ये बाउंड फॉर्म में भी होते हैं, बाउंडेड फॉर्म में भी पड़े होते हैं, और फ्री फॉर्म में भी पड़े होते हैं। जब ये फ्री फॉर्म में पड़े होते हैं तो ये इजीली स्ट्रक्चर के अंदर मूवमेंट दे सकते हैं, मींस के कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो असल में जो आपके पास चार्जेस हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये एक चार्जेस मोशन कर रहे होते हैं और ये काम कर रहे होते हैं लाइक अ पोस्टमैन, एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या पहुंचाते हैं हम नेक्स्ट देखेंगे, एनर्जी की टाइप में हम इसे डिस्कस करते हैं कि यार ये एनर्जी पहुंचाते हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि चार्जेस एक किस्म की मोशन कर रहे होते हैं और ये पोस्टमैन का काम करते हैं। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं असल में वो कौन से चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, कि हकीकत में मूव सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उस ज़माने में भी इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे थे, लगता ये था कि भाई पॉजिटिव चार्जेस करते हैं। तो चूंकि उस ज़माने में भी एक करंट यूज़ हो रहा था जिसको हम डिफाइन करेंगे द करंट डैट फ्लोज फ्रॉम, कौन से टर्मिनल से, फ्रॉम हायर टर्मिनल ऑफ द बैटरी टर्मिनल टू लोअर ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर कि भाई ऐसा करंट जो किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हो रहा है, कौन से टर्मिनल से, बैटरी के हायर टर्मिनल से। याद है चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने हायर कहा था पॉजिटिव साइड को और लोअर कहा था नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, हायर से लोअर आ रहे हैं, मींस के पॉजिटिव हायर पर गया तो वो वहाँ से चलता हुआ नीचे लोअर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है पॉजिटिव चार्जेस, तो उनकी वजह से जो करंट बनता है उस करंट का नाम था कन्वेंशनल करंट। लेकिन हकीकत में चल इसका उल्टा होता था, मींस के यहाँ पर कन्वेंशनल नहीं होता था बल्कि कौन सा करंट एग्जिस्ट करता था सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैं डिफाइन इधर नहीं लिखता, वैसे बता देता हूँ, द करंट दैट फ्लोस फ्रॉम कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि हायर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ड्यू टू द मोशन ऑफ कौन, किसकी मोशन से, नेगेटिव चार्जेस की मोशन से, मींस के इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो करंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी ने पूछा सर ये तो फड्डा हो जाएगा, एक बंदा इलेक्ट्रिक करंट से डील कर रहा है, एक बंदा कन्वेंशनल यानी कि पॉजिटिव करंट की वजह से डील कर रहा है, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा, तो इसको हम कैसे हल करें। तो मैंने बताया, मैंने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू बताओ, 1.61 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मैंने कहा प्रोटॉन पर, उसने कहा सर उस पर भी यही है, तो मैंने कहा फिर फड्डा यार किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट अगर बात करें तो वो भी एक इतना चार्ज रखता है तो वो नेगेटिव आ रहा होता है यानी कि वो इधर से इधर आ रहा होता है, और पॉजिटिव इधर से उधर जा रहा है यानी कि हायर से लोअर जा रहा है, वो लोअर से हायर आ रहा है, तो काम तो दोनों अमाउंट तो सेम ही कर रहे हैं ना, तो फिर फड्डा किस चीज़ का। मैंने कहा हाँ सर, अंदर जो मर्जी होता रहे, हमें तो बाहर वाले इफेक्ट से पता चलेगा, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ करंट, तो हमें तो बाहर देखना है कि भाई बाहर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो चाहे पॉजिटिव इधर आए चाहे नेगेटिव उधर जाए, का बाहर जो जिस सिस्टम को हमने करंट दिया या जिस कंडक्टर को करना है, हमने तो उसे देखना है कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, तो जो पॉजिटिव ने इफेक्ट करना है वही नेगेटिव ने करना है, इसका मतलब है कि इफेक्ट इनका सेम है, तो चाहे हम पॉजिटिव डील करें चाहे नेगेटिव, कहानी सेम है। लेकिन हकीकत के अंदर करंट ये चल रहा होता है, लेकिन हम इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा हुआ है, तो इसलिए ऑल दी डायरेक्शंस इन दिस चैप्टर विल बी अकॉर्डिंग टू, ऑल दी डायरेक्शंस ऑफ करंट विल बी अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल करंट, ठीक है। यानी कि अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर में जितने भी सर्किट्स ड्रा करेंगे उन सब की डायरेक्शन हम कन्वेंशनल करंट के मुताबिक ही रखेंगे, लेकिन हकीकत में नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनका एक्सटर्नल इफेक्ट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो कन्वेंशनल करंट ये आ गया और इलेक्ट्रिक करंट ये आ गया। अगर इसमें मजीद कोई मुश्किल है या कोई टर्म समझ नहीं आई या कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई तो आप पूछ सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।